वेलकम टू माय चैनल कुक बुक बाय सुधा। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है पूरन पोली। पूरन पोली एक महाराष्ट्रन रेसिपी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलाइटफुल है और सभी लोग इसको बहुत लाइक करते हैं। मैंने भी कई बार इसको, अपनी एक फ्रेंड है जो कि महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती है, उसके यहाँ पर कई बार मैंने इसको खाया है, तो मैं सोचती हूँ कि वो इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी रेसिपी क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको आज की अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने जो लिया है, ये है मेरे पास मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, ये है 250 ग्राम्स, और इसके साथ ही मैंने इसमें लिया है ये 100 ग्राम्स मेरे पास है ये चने की दाल, जिसको मैंने क्या किया कि इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया और भिगो के मैंने इसको बॉयल कर लिया है और बॉयल करके इसको मैंने इस तरीके से मिक्सी में डाल के पीस लिया है। साथ ही फ्रेंड, मैंने इसके साथ लिया है ये 150 ग्राम के करीब लगभग मेरे पास है गुड़, जो कि बाद में मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। साथ ही मुझे जो इसके अंदर फिलिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मैंने लिया है कि मेरे पास नारियल है, कि सूखा नारियल है। अगर फ्रेश नारियल आप लेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये आधा नारियल मैंने, एक छोटा है वो आधा नारियल लिया है, और ये मैंने 8-10 इलायची को पीस के उसका पाउडर बना लिया है, और थोड़ा सा ये मैंने लिया है सॉल्ट, जो कि मुझे 1 पिंच की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही मैंने क्या किया, थोड़े से आलमंड्स, 10-15 आलमंड्स लिए, और इतने मैंने कैश्यूज़ लेकर उसको अच्छे से पीस लिया है। उसको मोटा मोटा नहीं रखा, क्योंकि उसको फिर जो हम जल्द जिस टाइम बेलेंगे थोड़ी सी परेशानी आएगी। और साथ ही फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्या किया है कि ये सेफ्रन थ्रेड लेके उसको पानी में डाल के भिगो के रख दिया है, और इसके साथ ही मुझे कुछ पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये मेरे पास कुछ ऑयल है, और थोड़ा सा मैंने इसके साथ लिया है ये मैदा अलग से, जो कि जब हम बेलते हैं रोटी को या परौंठी को तो हमारे को सूखा जो पर्थन लगाना पड़ता है वो हम इसको यूज़ कर लेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं, पहले अपना आटा लगा के रख देते हैं। ये मैदा है हमारी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा ये वाली, ये जो मेरे पास स्पून है, ये 3 स्पून मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। तीन से थोड़ा कम ही मेरा डला है, इतना मैं डालूंगी, और इसके साथ मैं डालूंगी ये थोड़ा सा, बिल्कुल 1/4 से भी कम मेरे पास सॉल्ट है, ये मैंने इसके अंदर डाला है। इसको मैं अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके फिर जो मेरे पास ये सेफ्रन का वाटर है इसके अंदर, उससे मैं वो भी मैं इसमें डाल लूँगी, और फिर जो पानी है उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हम रोटी की तरीके से इस अपने आटे को तैयार करेंगे। ये पूड़ियों वाला आटा हमें नहीं मलना है, हमें रोटियों का आटा तैयार करके, रोटी जैसा आटा तैयार करके हम इसको 15-20 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे। अब फ्रेंड्स, हमारा आटा देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इसको क्या करते हैं, रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं, जब तक हम क्या करते हैं कि जो हमारी फिलिंग है उसको हम तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने अपना पैन रख दिया है, और मैं थोड़ा सा इसके अंदर ये ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, और अब इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारे पास हमारी ये हमने दाल थी ना, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब दाल हमारी भुन रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास ये गुड़ है इसको हम डाल देंगे। इसको मैंने हल्का सा तोड़ लिया है, और तोड़ के ज़रा सा माइक्रोवेव में रख के ना इसको ढीला कर लिया है। अब हम इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब हमारा गुड़ इसके अंदर पिघल गया है, मैं इसके अंदर डाल दूंगी नारियल, और जो ये मेरे पास एलमंड और कैश्यूज हैं, साथ में जो मेरे पास ये कार्डमम पाउडर है, ये इसको डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स करके थोड़ा थिक इसके लिए जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। अभी ये 2 मिनट के अंदर बिल्कुल थिक हो जाएगी।
अब ये फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है और ये बिल्कुल हमारा पैन को छोड़ रही है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको जब तक आपको हिलाते रहना है जब तक एक सेमी सॉलिड पेस्ट ना बन जाए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, तब हम अपना जो है काम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा ये आटा है ये तैयार हो गया है, बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आटा भी तैयार है और ये फिलिंग भी तैयार है, हम दोनों की क्या करेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बना के रख लेंगे। ये फिलिंग करने के लिए हमको आसानी हो जाएगी और ये हमारा ठंडा हो भी चुका है। क्योंकि इसमें गुड़ होता है इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए कि ये ठंडा हो जाए, नहीं तो बिल्कुल हाथ में चिपक जाएगा। इसी तरीके से मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना के जो एक रोटी के साइज़ के होते हैं वो हम रख लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपनी सारी पूरन पूली बेल के तैयार कर ली है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और बिल्कुल सारे में इसके अंदर फिलिंग चली गई है। इसी तरीके से ये मेरी नेक्स्ट है। फ्रेंड्स, अब हमारी सारी पूरन पोली तैयार हो गई हैं और उनको हमने क्या किया है, कुछ पूरन पोली का मैंने इस तरीके से हाफ करके ये रखा हुआ है और ये बाकी मेरी ये रखी हुई है। आप इनको चाहें तो अचार के साथ, जैसे नींबू का अचार हो या आम का अचार के साथ खा लें, और या आप चाहें तो इसको जब भी खाना चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ये देसी घी लगा के खा सकते हैं, क्योंकि हम इनको कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होती है। तो जब आपका दिल करे आप इसको निकालिए और इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और इसके ऊपर घी लगाकर खा लीजिए। इसलिए महाराष्ट्र की एक बहुत ही अच्छी डेलिकेसी है जो कि सभी लोग इसको लाइक करते हैं और ये त्योहारों पर तो बनाई ही जाती है। और वैसे भी जब भी कभी किसी का मन करता है, संडे है या कोई रिलेशन आए हैं, तो पूरन पोली बहुत ही स्वाद से खाई जाती है, बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब एक बार आप हमारे तरीके से पूरन पोली अपने घर पर बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और फेसबुक पर भी हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, जब तक हम नई रेसिपी लेकर आते हैं तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।